चैनल वेलकम बैक टू माय चैनल जॉर्जा डायरी। सो आज का व्लॉग शुरू करते हैं और अभी सुबह ये तो सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट करते हैं। सो लेट्स गो। सो गाइस ये है आज का हमारा ब्रेकफास्ट। यमी पहले अभी करते हैं और उसके बाद चलते हैं अपने दोनों भाई को बाहर छोड़ने के लिए। चाय गाइस इतनी टेस्टी, मतलब चाय के बिना ब्रेकफास्ट अधूरा है। मतलब आपके सामने पूरा बफे भी लगा देना तब भी अगर चाय ना हो तो वो पूरा इनकम्प्लीट लगता है, और बस ब्रेकफास्ट में सिर्फ चाय हो क्या बात है, जो कि मैंने जॉर्जिया में ज़्यादा मिस की थी चाय। तो गाइस अब ब्रेकफास्ट वगैरह सब कम्प्लीट हो चुका है और हम जा रहे हैं रहमान को बस स्टॉप पर छोड़ने। लेट्स गो। हेलो, बाय बाय। गाइस इतनी गर्मी थी और फाइनली बारिश हो चुकी है, तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि इससे वेदर ठंडा ठंडा कूल कूल होने वाला है इस बार। अल्लाह की रहमत बरस रही है। तो उधर कम हुई तो हमने देख लिया, अब उधर देखते हैं। उधर तो बिल्डिंग्स गायब हो चुकी हैं। और ये हमारा ग्रीन ग्रीन पार्क। सो गाइस थोड़ी देर में अब अपनी बालकनी में बैठती हूँ, खीर का मजा लेते हुए। यम यम खीर।
और व्यू देखते हैं यहाँ से। तो गाइस जस्ट अभी अभी हमने ब्लिंकिट से ऑर्डर किया है। इंडिया में ब्लिंकिट नाम की एक चीज़ है जो कि 5 मिनट में हमारा ऑर्डर लाकर घर पर दे देती है। अब देखते हैं कितनी देर में आता है। सो गाइस मैंने अभी ऑर्डर किया था ब्लिंकिट से कुछ सामान और ये इतनी जल्दी फास्ट डिलीवरी होता है इंडिया का, सबसे ज़्यादा फास्ट डिलीवरी थी ब्लिंकिट। तो देखते हैं अब क्या क्या सामान मंगाया था मैंने। सबसे पहले ये था ब्रेड, ब्रेड ब्रेड, इसके बाद कुछ बंस और ये कुरकुरा। कितने दिनों बाद खाने वाली हूँ मैं कुरकुरा। मोर बंस, थोड़े कैशू और ये यहाँ हमारे वॉलनट। पिस्ता पिस्ता और मोस्ट फेवरेट चीज़ जो कि है मैगी का पूरा पैकेट मंगा लिया इधर। और इसमें से एक चीज़ मेरा भाई पहले लेके जा चुका है क्योंकि उसे बेसब्र सब्र नहीं हो रहा था खाने का, तो पहले मैं इसको। सो गाइस मैं और मेरे भाई और मम्मा जा रहे हैं मार्केट क्योंकि मेरे भाई को ऑर्डर करवाना है। उसको बहुत जल्दी याद आ चुका है जब उसकी सारी ऑर्डर कंप्लीट हो चुकी है, जब उसे ऑर्डर वर्क याद आया, तो अब उसके ऑर्डर वर्क के लिए सामान लेने जाते हैं उसका प्रोजेक्ट जो भी। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं मार्केट क्योंकि मेरे भाई को कुछ सामान लेना है उसके प्रोजेक्ट के लिए। सो गाइस मेहमान की तरह थोड़ी गोल्ड मेटल बस गाइज ये बोलना था मेरी मैम ने प्रोजेक्ट बनाने के लिए ग्लो। मैंने अभी देखा कि ये भी लड़का है यही ले जाता था। तो इसकी मैम ने उसको बोला था ग्लो बनाने के लिए और उसको यहीं पे आर्टिफिशियल ग्लो मिल गया, ये भी बोलना चाह रही हूँ। मैं भी ये सोच रही हूँ यही ले लेते, क्या मेहनत करें। हम अब मार्केट से वापस आ चुके हैं। इतनी गर्मी आई है हमें बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ी देर पहले मार्केट में गए थे और पूरा स्वेटिंग स्वेटिंग हो चुके हैं। सो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही और आज हम अपना ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर ब्लॉग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।